दार जगह पे जाए, दिल करता है हवादार जगह पे जाए, दिल करता है ठंडी जगह पे जाए। रोशनी बहुत ज्यादा है ना, सूरज बहुत लंबे दिन देर के लिए निकलता है, दिन तवील है, तो दिल करता है कम रोशनी हो, हल्की हो, सुकून मिलता है। और अगर यही मामलात बदल जाए, सर्दियाँ हों, तो हमारा दिल करता है जहाँ धूप आए उस तरफ हमें बैठने के लिए जगह मिले, जहाँ हल्की सी गर्माइश हो, जरा रोशनी हो, ताकि गर्माहट का, ताकि जिंदगी में जो ना जो कमी है, जो नहीं है, उसका एहसास हो। तो मैं सोच रही थी कि ज़िंदगी में लोग भी हम इसी तरह से होते हैं, एक दूसरे से जब मिलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिससे गर्मियों में मिले तो वो एसी की तरह लगते हैं, उनके पास जाकर अपनी झुंझलाहट, अपनी गर्मी का वो जो एक बेहाल होता है वो ख़त्म हो जाता है, एहसास जो है ठंडक में, राहत में, सुकून में, तस्कीन में बदल जाता है। और बहुत सारे लोग जो है वो हीटर की तरह होते हैं कि जैसे सर्दियों में उनके पास जाए तो आपको गर्माइश, आपको हिद्दत, आपको वो चीज़ें जो चाहिए होती हैं वो मिलती हैं। बहुत सारे लोग इसके बरक्स होते हैं, उनकी तरफ जाएं तो ऐसे लगता है जैसे लू के थपेड़े गर्मियों में भी, तो ऐसे लोगों के पास जाना कोई भी पसंद नहीं करता। हम चाहते ज़रूर हैं कि लोग अच्छी तरह हमसे मिले, हम ये नहीं कोशिश करते कि हम भी अच्छी तरह लोगों से मिल लें, ताकि कल को अगर वो हमसे और हम उनसे मिले तो उन्हें हम में वो मिले जो उनके पास नहीं है और हमें उनसे वो मिले जो हमारे पास नहीं है। यही इंसानी रिश्तों की खूबसूरती है कि हम लोग एक दूसरे की कमियों को फुलफ़िल करते हैं, और जो लोग अपने रिश्तों में इन कमियों को अच्छी तरह से फुलफ़िल करते हैं उन्हीं के रिश्ते कामयाब होते हैं, खूबसूरत होते हैं, देरपा होते हैं। आज जिस फैमिली से आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ, उनका हमारे साथ जो एक रिश्ता है वो भी बड़ा देरपा है, बड़ा तवील है, खूबसूरत है, और उसकी वजह बहुत हद तक यही है जो मैंने आपसे कहा, जब हमारा दिल करता है कि हमें कोई ऐसा गाना सुनने को मिले जिससे हमें सुकून मिले तो हमें उनकी तरफ से सुनने को मिलता है, जब हमारा दिल करता है हमें कोई ऐसी चीज़ मिले जो हमारे ज़िंदगी में जो हमारी फीलिंग्स है उनको एक्सप्रेस कर सके तो उनकी तरफ से आता है। और ये एक ऐसी फैमिली है जिसने बहुत कंट्रीब्यूट किया है पाकिस्तान के फोक म्यूज़िक में, क्योंकि उनके गाए हुए गाने, उनका गाया हुआ कलाम जो है वो पॉपुलर है, और अभी भी वो एक नए अंदाज में उनकी फैमिली जो है चीज़ों को सामने लेकर आ रही है। आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी लूनेवाला फैमिली से, प्लीज़ वेलकम अलादिता लूनेवाला एंड नदीम अब्बास लूनेवाला। माशाल्लाह से छब जो है वो वही रिवायती है, खुसा आपने चोंच वाला ही पहना हुआ है। हाँ जी जी, मतलब खुसा पहनते हैं लोग, कम पहनते हैं अब तो, आप हमेशा सर खुसा ही पहनते हैं, तशरीफ रखें। हाँ हमेशा खुसा पहनते हैं जी। हाँ जी, खुसे के अलावा कोई और जूता पहनना पसंद नहीं है? नहीं, नहीं पसंद है, क्यों नहीं? अच्छा, लेकिन अपने थैंक यू सो मच। सो ये हमारा खूबसूरत कल्चर, आइए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं सर आप? मैं अभी कह रही थी कि फैमिली, सो बेटा जो है वो लेकर चला है आपके क्या कहते हैं गायकी के अंदाज को, आपको लगता है कि सर अपनी झलक नजर आती है नदीम में? हाँ हाँ, क्यों नहीं आती है, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आपको अपने जैसा लगता है, अपने से अच्छा लगता है? आप इसको कभी कभी कहते हैं अपने बेटे को कि अभी तुम वहाँ नहीं पहुँचे जहाँ पे हम थे या जो हमने किया है? औलाद अच्छी हो, लायक हो, तो माँ बाप को खुशी होती है, बेशक, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। और नदीम इसलायक है जो अल्लाह ताला इसको और ज़्यादा इज्जत दे और आवाज़ कलाम दे। आमीन, बिल्कुल। सो हमारी मुलाकात नदीम अब्बास से तो रहती है, आज हमने कहा कि फादर सन जो एक रिलेशनशिप है उसके ऊपर भी साथ साथ बात की जाए, तो अलादिता लूनेवाला साहब को दुनिया जो है वो एक कमाल फनकार के तौर पर तो जानती है, वालिद के तौर पर कैसा ज़िंदगी में फील हुआ है? ये वैसे मिजाज जो है वो एक ही कैरी होता है हर चीज़ में, मतलब इंसान एक ही है लेकिन मिजाज तो उसका वही रहता है। हाँ। जो मतलब मेरी जो अपनी एक्सपीरियंस है, मतलब मैं अगर उसको अपने एंगल से देखूं, आर्टिस्ट क्योंकि सेंसिटिव होता है, और जो ये रियल आर्टिस्ट हैं इनको, यानी ये बोर्न आर्टिस्ट हैं, खुदा के नवाजे हुए लोग, जिनकी जिनके गलों में कुदरत के एक ख़ास एक शाहकार बोलते हैं, तो इनके मिजाज जितने अच्छे गायक के हैं उतने अच्छे ये बाप भी हैं। अच्छा। और उतने ही अच्छे ये भाई भी हैं, उतने ही अच्छे मतलब बाकी रिलेशन में भी, ठीक है। और अच्छा, इनका आपके दादा भी मतलब फैमिली में वालिद साहब से पहले भी गाता था कोई, वो भी गायकी सर आपके वालिद साहब भी? हाँ। गाते थे और वो भी उसमें? अच्छा, आपने उनका रंग अपनाया, आपने उनके अंदाज को फॉलो किया? जी हाँ।
अपने बुजुर्गों का ही जो अंदाज है ना, वही जा रहा है। आपने उसको और आपके अंदाज को कैरी किया आगे नदीम ने पास नहीं। नदीम ने जैसे इसे मॉडर्न किया है, आपने भी अपने दौर में सर मॉडर्न किया था, वालिद की गायकी से कोई एक स्टेप हाँ, आगे लिया था? हाँ हाँ। अच्छा, मैं वो ये सदियों से चला आ रहा है और मैंने वो जो बाप से सुना, मेरे बाप ने अपने बाप से सुना दादाजी से, यानी इसी तरीके से मैं वो फोक लेके आया हूँ ठीक है, और वो पेश किया है लोगों को जो असल फोक। बिल्कुल सही। ये लूने वाला कहाँ से आया है? ये लूने वाला जो है ये क्या है? मुझे तो यहाँ से आया है। आपको तो यहाँ से आया है। सर ये लूने वाला क्या, ये तखल्लुस है, लकब है? गाँव है। अच्छा, गाँव है। गाँव है और लूना कौम है। अच्छा, और लूना कौम है। लूना कौम है वहाँ जो रहते हैं। ठीक है। तो मेरा शौक था बचपन से कि मैं, अल्लाह ताला ने मुझे वक्त दिया तो मैं अपने गांव का नाम रोशन करूँगा। अच्छा, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खालिक ने मेरी सुनी। और ये आपने नाम गांव का आपने अपने साथ लगाया कि वालिद साहब के नाम के भी साथ? नहीं, नहीं, मेरे नाम। आपके नाम के साथ? ये पहली दफा ये नाम लूने वाला जो है ये आपके नाम के साथ लगा? जी हाँ। अच्छा, वाह। तो गांव का नाम आपने रोशन किया, आज पूरी दुनिया जो है वो लूने वाला जानती है कि अच्छा अच्छा वाह। तो जब अब आप जब इस नाम को कैरी करते हैं नदीम, तो इसका मतलब उनका तो गांव था, अब आपके लिए ये क्या है? मेरे लिए क्योंकि लेगेसी है, एक लूने वाला, एक इतना, मतलब मैं तो इसको और नज़र से देखता हूँ कि ये मेरे वालिद की वो एक्सटेंशन है कि जिसको मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी अगली औलादों में भी मुंतकिल करें हम इस लूने वाला को, क्योंकि मतलब डेफिनेटली एक विश है उनकी कि मेरे गांव का नाम जो है वो मेरे नाम के साथ रहे। और सर शनाख्ती कार्ड पे जो नाम है वो अल्लाह देता होगा, उसमें लूने वाला नहीं है, उसमें तहसील दाखाना पता जो है वो शायद लूने वाला हो। जी हाँ। ठीक है, लेकिन कहलाते। और नदीम आपके उस पर नदीम अब्बास है? नदीम अब्बास। और लूने वाला वहाँ पे भी नहीं? बिल्कुल। ये भी अभी तक, तो कब ये शनाख्ती कार्ड में नाम के साथ भी लिखा जाएगा कि आपके बच्चों के नाम के साथ आएगा? नेक्स्ट जनरेशन में मेरा ख्याल अब ये शुरू हो जाना चाहिए कि शनाख्ती कार्ड के नाम का हिस्सा बन जाए, बजाय इसके कि तहसील दाखाना मुस्तकिल पता तक महदूद रहे बल्कि ये नाम के साथ आ जाए ऊपर, ताकि आपका उस पर ना उठने। तो अभी तक मुस्तकिल पता जो है वो नदीम आपके शनाख्ती कार्ड पे क्या है? चिन्योट जो हमारा अबाई घर है। अच्छा। वहाँ का भी है। हाँ। और जहाँ हम लोग लाहौर में रहते हैं वो भी है। तो लेकिन ये मतलब इसके ये बड़ी खूबसूरत एक मतलब खास अपने तो अपने इश्क में या अपने उसमें वो कर दी, ये हम लोग यही, मैं उस दिन भी जब लास्ट आपके शो में आया तो यही बात हम लोग कर रहे थे कि अपने रूट्स के साथ हम लोग जब तक अपना कनेक्शन नहीं रखेंगे, हम जब तक अपनी पहचान अपनी बुनियाद से उसको यानी नहीं मानेंगे, उसको ओन नहीं करेंगे, मतलब ये तब और याद रहे कि ये तब की बात है जब शहरों में देहात वालों को उनके गाने को भी और उनकी शख्सियात को भी पेंडू कहा जाता था। हाँ। और उस वक्त अपने गांव का नाम साथ रखना। हाँ। तो ये इट्स नॉट ये आसान काम नहीं है। और जैसे वो मेरा ख्याल है कैमरा नहीं तफसील में दिखा सका, तो अगर आप वालिद साहब को जरा सामने ला सके, हम मैं चाहूँगी लोग उनका खुशा देखें और से हाथ के काम का बना हुआ तिल्ले का खूबसूरत उन्होंने तिल्ले दी की धार वाला खुशा जो है वो उन्होंने पहना है। और ये बड़ी कमाल बात है कि आप मतलब आप बदलते नहीं हैं वक्त के साथ, आप ये नहीं कहते कि जी अब आपने बाहर के ब्रांड्स के जूते पहने जो आप पहन सकते हैं, आपको पैसा भी है, आपके पास रिसोर्सेज भी हैं सब कुछ के, ये गुच्ची है तो ये फलाना है, उन्होंने अपना ब्रांड पहना है। सो ये भी एक बड़ी कमाल और कल्चर है, ये हमारा कल्चर है पंजाब का जो अपनी मैं यानी कन्हों वाली जूती है और गुस्सा। हाँ। मैं इसको बहुत लाइक करता हूँ। अच्छा। क्योंकि हमारा ये कल्चर है सदियों से आ रहा है। सदियों से आ रहा है। हाँ जी, ये बाजारी जूती हैं वो तो काफ़ी हैं, पहनते भी हैं, लेकिन जो जब कोई ख़ास फंक्शन हो तो फिर मैं या गुस्सा पहनता हूँ या वो कन्हों वाली जूती पहनता हूँ। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, बातें हम कर रहे हैं आज, लेकिन ऑब्वियसली हमें बहुत खूबसूरत कलाम भी सुनना है लूने वाला फैमिली से। सो एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब मैं आऊँगी तो कुछ ऐसा सर
जो आप बेटे के साथ मिलकर अपने सुनने वालों को, हमारे देखने वालों को सुनाना चाहें, ठीक है? तो काफी पेश करेंगे, काफी पेश करेंगे बाबा बुल्ले शाह की, ठीक है? लेकिन बाबा बुल्ले शाह की काफी से पहले एक ब्रेक। वेलकम बैक। और हम अब बिल्कुल सुनना चाहेंगे बाबा बुल्ले शाह की कॉफी, जिसका ब्रेक से पहले आपने वादा किया। अरे एक कॉफी नहीं है, काफी है। अच्छा एक काफी है, हाँ। ये खान साहब की कंपोजिशन है। अच्छा। जो पेश कर रहे हैं। नदीम, कब से वालिद साहब ने आपको बिठा दिया था हारमोनियम पे? स्कूल टाइम से। कितनी उम्र होगी नदीम की? 6-7 साल। सारे बच्चों को या नदीम में कोई खास चीज देखी थी आपने, रुका था कि तुम हारमोनियम पे बैठो? सारे बच्चों को आपने सिखाया? तीनों मिलके गाते थे। अच्छा, तीनों भाई, ठीक है। वो नदीम से दो बड़े हैं, ठीक है, और एक ही आवाज और एक सुर के, यानी तीनों मिलके गाते थे, ठीक है। तो बड़ा बेटा जो है ज़हीर अब्बास, उसका नाम। अच्छा। वो रेडियो पाकिस्तान लाहौर प्रोड्यूसर है, ठीक है। उसने कहा मैंने नहीं गाना। अच्छा। मेरा दिल नहीं चाहता, गाना कि मैं आपकी वजह से, आप कह देते तो मैं कर देता हूँ। अच्छा। तो आप मुझे इजाज़त दे दो, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, आज के बाद मैं तुझे नहीं कहूँगा, जो इससे बड़ा है वो वसीम अब्बास, उसका नाम, वो इंग्लैंड में रहता है, ठीक है। उसने कहा मैंने भी नहीं करना। अच्छा। इतनी अच्छी आवाज़ और ऐसी ऐसी वो ट्यून बनाता था कि कमाल। अच्छा। तो शुरू तो तीनों को कराया था, फिर बाद में क्लासिकल नदीम अब्बास और वसीम ने मिल के फिर दोनों भाइयों ने गाया, ठीक। फिर वो पढ़ने के लिए बाहर चला गया, तो नदीम को मैंने कहा अभी आपने भी जवाब देना तो दे दे, अभी टाइम। इसने कहा आपकी क्या मर्जी? मैं कहा मेरी मर्जी कि मेरे तीन बेटे हैं, कम से कम एक को तो गाना चाहिए, जो मैं इतनी खिदमत की है, तो मेरे नक्शे कदम पे चल कर एक को तो मेरे इस फील्ड में आना चाहिए। तो नदीम ने कहा कि अबू जी आप जैसे कहें। उस वक्त ये 8वीं क्लास में पढ़ता था। अच्छा। तो मैंने कहा कि इसने कहा नदीम ने कि मैं करूँगा। अच्छा। अगर आपकी ख्वाहिश है। ये शुरू से इतने फर्मा बरदार, ताबेदार, अल्हम्दुलिल्लाह, अब वो सुलझा हुआ, अच्छा बात मानने वाला बच्चा। मैंने इसको उंगली पकड़ के स्टेज पे ला गया। अच्छा। ये बचपन से। अच्छा वाह माशाल्लाह। अच्छा। तो इसका रू भी था। अच्छा। और इसमें वो जो फन देनी कुदरती चीज़ होती है वो थी। अच्छा आपने कभी नहीं कहा कि मेरा नहीं दिल करता है, अपू ज़बरदस्ती ले जाते हैं, मैंने भी नहीं गाना, क्या मजबूरी है? मैं तो ज़बरदस्ती जाता था साथ। अच्छा। मतलब अबू के जब शोज होते थे तो मैं स्कूल में पढ़ता था उस वक्त, तो मेरी यानी सबसे बड़ी घर में यही जिस दिन शो पे जाना होता था। हाँ। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे होता था, मैंने साथ जाना है और मैंने परफॉर्म करना है जाके। अच्छा, मैंने बहुत बातें करनी है लेकिन ब्रेक का चूंकि बीच बीच में वक्त होता रहेगा तो हम ब्रेक्स भी लेते रहेंगे और आपको खूबसूरत म्यूजिक जो है वो भी सुनाते रहेंगे। वापस आऊंगी तो कोई एक फोक नंबर, सर आपका बड़ा पॉपुलर, मैं उसकी फरमाइश करूंगी लेकिन ब्रेक पहले ले। हर दफ़ा जब मेरी मुलाकात होती है लूने वाला फैमिली से तो एक बड़ा एक्साइटिंग मोमेंट होता है, इसलिए कि बड़े हमारी जो पंजाब का एक खूबसूरत कल्चर है ना, उसका रिवाइवल और उसकी कॉन्टीन्यूएशन जो है वो दोनों बैक वक्त देखने को मिलती है, इसलिए कि नदीम अब्बास ने उसको कैरी भी किया है, उसको मॉडर्नाइज भी किया है। कैसा लगता है आपको ये जब बेटा जो है उसका साज फ़र्क है, उसका अंदाज फ़र्क है, लेकिन वो गा फोक रहा है, चीज़ें वो कर रहा है, आपको तो बड़ा फखर होता होगा? जी हाँ, क्यों? लेकिन कभी कोई आके कहे कि आप नदीम अब्बास के वालिद हैं तो कैसा लगता है? मतलब अच्छा, इसके कि ये कहे कि नदीम ना। अच्छा लगता है।
अच्छा लगता है। अच्छा, बेटे की शनाख्त जो है अगर आपकी शनाख्त से बड़ी हो जाएगी तो आपको अच्छा लगेगा। हाँ क्यों नहीं, मुझे तो हमारे पंजाब में औलाद की एक वंड रखी है, औलाद की एक हमारा जो देहाती मकबूला है औलाद हाँ। के लिए बेटा तो अल्लाह को देते हैं, मौला देता है। एक बेटा वो होता है जैसा बाप वैसा बेटा, ठीक ठीक, उसको बोलते हैं पुत्र, हमारी पंजाबी जबान में उसको पुत्र बोलते हैं, ठीक। एक होता है जो बाप का नाम भी डुबो देना, उसको कबूतर कहते हैं, कबूतर कबूतर, ठीक है, कबूतर, एक पुत्र एक कबूतर, ठीक है। जो बाप से भी दो कदम आगे चले उसको सपुत्र कहते हैं, सपुत्र कहते हैं, सपुत्र कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका सपुत्र बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, नदीम अब्बास सपुत्र है, ठीक है। ये मेरे से भी दो कदम आगे चला, ठीक है, और अल्लाह ताला इसको कामयाबियां दे, ठीक है, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे, आमीन। तो माँ बाप को तो औलाद अच्छी हो, नेक हो, फरमा बरदार हो, तो इससे उनकी तो यहीं पे जन्नत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नदीम, आपकी जो ज़िंदगी गुजरी है, मैंने आना है फोक आइटम आपसे सुनने के, लेकिन चनियोट में कितनी गुजरी है और फिर लाहौर में कितनी गुजरी? स्कूलिंग चनियोट में हुई तो, और मतलब उसमें भी बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो लाहौर अब्बू के साथ गुजरा। अच्छा, और वो यानी हमने जो पूरे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट, मैं जब तक लाहौर आया था मैं परफॉर्म कर चुका था, ठीक है, मैंने पाकिस्तान का हर स्टेज देखा, वहाँ परफॉर्म किया, और मतलब देहात से लेके शहरों में सूबों में जहाँ जहाँ वो ट्रैवल कर रहे थे मैं साथ जा रहा था। अब आप अब्बू के साथ रहते हैं कि अब्बू आपके साथ रहते हैं? रहते हैं हाँ। वैसे मेरे साथ तो ये हर वक्त रहते हैं हाँ। और क्योंकि ये जब तक मैं फिजिकल सेंस में बात करूँ, आप अब्बू के घर में रहते हैं कि अब्बू आपके घर में रहते हैं? मतलब वो इन्हीं का ही घर है। बिल्कुल है, लेकिन हाँ। एक बड़ी खूबसूरत फील होती है, एक बाप ने घर बनाया होता है जिसमें बच्चे सारे रहते हैं, एक वक्त होता है जब बच्चे जवान हो जाते हैं और वो कहते हैं अब्बू आपने मेरे साथ रहते हैं। बिल्कुल, तो वो स्टेज है अब? वो बिल्कुल है। अच्छा, मैंने जब फर्स्ट टाइम जब मैंने घर बाय किया और तब मैं वो जो उसकी समय वो जो चाबी थी हाँ। तो मैंने लगाई नहीं थी, अम्मी अब्बू आए और ये मसरूफ थे अपने कामों में, मैं दो तीन दिन हम लोग गए ही नहीं उधर। अच्छा, और फिर जब ये आए तो इन्होंने आपका तो बिस्मिल्लाह करा भी बड़ा मशहूर है, तो बिस्मिल्लाह करा जो है वो यहाँ से हुआ? बिल्कुल। अच्छा वाह। अच्छा किस में है सर, ये ददयाल पे है कि ननियाल पे है? आपके घर में लड़ाई बहस चलती है कि है मुंडा जड़ा ना है ददयाल पे है बाकी सारे ननियाल पे? नहीं, हमारे घर में लड़ाई का रिवाज ही नहीं। अच्छा वाह माशाल्लाह। लेकिन नदीम अब्बास आपको लगता है आप पे ज्यादा है, वालदा पे ज्यादा है, नैन नक्श में भी वैसे भी देखने में और आदतों में भी? आपको क्या लग रहा है? वैसे मुझे लग रहा है नैन नक्श तो आपके वालिद वाले हैं, रंगत वगैरह जो है वो वालदा की होगी और अंदाज जो है आपका वो पूरा वालिद वाला, आते हैं और जो आपका नशिस्त तो बर्खास्त, मुझे लग रहा है कि वालिद जैसे मेरी अच्छी आते हैं। अच्छा बबू से बिल्कुल सही। अरे आपका सर एक बड़ा मशहूर फोक आइटम है ना दिलड़ी जी, वो घनेरी है हाँ। बिल्कुल, मुझे पता लग गया कि आपके काम में नदीम ये आपको कौन बता रहा है? नदीम की फरमाइश है हाँ। वो नईम की तरफ से आई है, तो प्लीज़ दिलड़ी की फरमाइश। इसी काफ़ी को हमने दो स्टाइल में मैंने गाया है। अच्छा, एक तो मुगलई ताल है उसमें, वो सात माजरे का ताल है उसमें जो पहले से आ रहा है क्लासिक स्टाइल, क्लासिक स्टाइल मुगलई में हाँ, मुगलई में शर्म से उसमें ठीक गाया है, और मैंने थोड़ा सा उसको अपडेट करके भी गाया, जदीद म्यूजिक में भी गाया है, कंपोजिशन वही है, कंपोजिशन वही है, यानी उसको लेकिन उसका थोड़ा सा स्टाइल चेंज किया मैंने। जनाब जो अच्छा लगे प्लीज। खुशामदी जनाब, आज हम मिल रहे हैं नदीम अब्बास लूने वाला और जनाब अलादिता लूने वाला साहब से। अच्छा नदीम, मतलब आपने दोस्तों की तरह वालिद से कभी शेयर किए
کوئی دل لگی, کوئی دل کی چوٹ, کوئی دل کا معاملہ, کوئی کوئی زندگی کا معاملہ, کبھی نہیں. اچھا سر آپ کبھی نہیں سامیہ کو بچھانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کی گپ شپ جو ہے وہ معاملہ اچھے رہے. ہماری مجھے جو اپنی اپنے کلچر کی کچھ چیزیں جو بہت پسند ہیں, ان میں سے ایک یہ جو تہذیب ہے ہماری, اس میں جو ایک احترام کا رشتہ ہے بڑوں کے ساتھ, اور معصوم شکل کے بڑے بے زرر ابا لگ رہے ہیں, لگتا نہیں کہ ڈانٹتے ہوں گے. ہاں جی نہیں, مجھے تو نہیں لگتا آپ نے ڈانٹا بھی ہوگا کبھی. نہیں نہیں, اس کو کبھی ڈانٹا؟ ہاں اچھا, مارا بھی ہوگا ایک آدھ دفعہ ہے نا انکل؟ جب بھی مارا بھی ہے, ہاں مارا بھی میوزک کے لیے بتایا ہے. ہاں سکھایا تو تم کبھی کبھی جلدی میں ہوتا تھا, جلدی میں ہوتا تھا. اچھا خان صاحب, یہ جب اندازہ ہوتا ہے کہ اولا اب یہ جوان ہو گیا ہے, اب نہیں اسے کچھ کہہ سکتے, وہ ٹائم کب آیا تھا جب آپ کو لگا کہ یہ ندیم اب نہیں اسے کچھ کہہ سکتے؟ ہمیں ابھی بھی نہیں لگا, ابھی نہیں, معافی ابھی نہیں ہوتی. اچھا ہاں, بیشتر اللہ اس کو اور جو ہمارا فخر ہے, ہماری خوشی ہے, ماں باپ کو تو پر لگ جاتے ہیں اگر اولاد اچھی ہو تو. بالکل, تو اس نے بہت کم موقع دیے ہیں ناراض ہونے کے, ناراض ہونے کے اس نے بھی, اور جو اس سے بڑا ہے وسیم عباس, وسیم عباس وہ ماشاء اللہ بڑے والے سے کوئی اتنے آپ زیادہ خوش نہیں ہیں؟ نہیں خوش ہوں میں, ہاں اللہ اس کو خوش رکھے, لیکن زیادہ ٹائم جو میرے ساتھ وہ ندیم نے گزارا, یہ تو میرے دوستوں کی طرح ہے نا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں دیکھنے والے سارے کہ اللہ سب کو ندیم عباس دے سی اولاد دے, الہی آمین. مطلب اتنی فرما بردار, اتنی والدین, باقی دنیا میں کون فرشتہ ہے بھائی, سب ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں جو بھی اولاد, لیکن ماں باپ کے ساتھ اور کرنی چاہیے, رشتوں کے ساتھ ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے. آپ بھی اتنی فرما بردار تھے؟ ہاں الحمدللہ. اور میں نے اپنے والد کی الحمدللہ, میں یعنی میرا بچپنا تھا 15-16 سال کی عمر تھی, اور میں والد کی بڑا میں تھا, باقی بہن بھائی سب چھوٹے تھے, تو وہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے, انہوں نے مجھے بلایا, میری شادی بھی انہوں نے کر دی بچپن میں ہی. بڑے خوش قسمت ہیں ہم بچپن میں ہی شادی ہوئی الحمدللہ. ٹھیک, تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بلا کے بٹھا کے اور کہا کہ بیٹا آپ نے میری بہت خدمت کی, میں آپ پہ راضی, بہت راضی ہوں, کانوں تک راضی ہوں, آپ نے میری بڑی خدمت کی. میں نے کہا کہ وہ میں کوئی احسان کیا؟ میں نے تو اپنا فرض ادا کیا, آپ میرے باپ ہیں, خدا کے بعد جو رشتہ ہے وہ آپ کا ہے. اسلام میں تو یہ بھی ہے کہ اگر ماں باپ کی قبروں کی پہچان ہو تو دو لکیریں لگا لیں, یہ میرے باپ کی اور یہ میری ماں کی, اور خالق کہتا ہے کہ ان لکیروں کو سجدہ کر. بالکل سر, کہتے ہیں ماں باپ کی زیارت پیار سے دیکھ لو تو مقبول حج کا ثواب. الحمدللہ, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, جی جی حدیث پاک, میں بھی حدیث ہی پیش کی. جی جی, تو نہیں نہیں آپ کو یہ یہ سر بچے تو سب کے ہوتے ہیں, ہاں یہ تابے داری کہاں سے آتی ہے, فرما برداری کیا کوئی خاص, یہ ورثے میں ملتی ہے, کچھ ورثے میں چیزیں ملتی ہیں, میں نے خود کی, خود کی اور آج اولاد میری کر رہی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, جو کرو گے وہ بھرو گے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. مجھے اپنے آپ کو دیکھ کے ویسے بھی پتا ہے, میں بھی بہت شروڈ اولاد تھی, آج میری اولاد مجھ سے زیادہ شروڈ ہے, میں بہت شروڈ اولاد. میں ہی اما سے بات کر, کبھی انکل ہوں, کبھی کیا ہوں انکل, جو آپ کے فادر ہیں, اور میں ان سے یہی کوشچن کروں, لائف نہ کیجیے گا, باقی جو مرضی کر لیجیے گا, کیونکہ جو میں جواب آپ کو دیں گے انکل تو آپ کو بڑے انہوں نے سیدھا سیدھا بتایا, میں نے کہا توبہ, لیکن جس طرح کو میں جانتا ہوں, اور میں مطلب یہ کہنا بھی چاہوں گا کہ مطلب کم خواتین دیکھی ہیں میں نے اس طرح سے شو بز اور میڈیا اور یہ جو ٹی وی اسکرین کی جو لائف ہے, بڑی ٹف لائف ہے, اور مطلب خواتین کے لیے اسپیشلی وہ زیادہ اس کو اور نظر سے, اور لوگ مطلب یہ ایک اور طرح کی دنیا ہے. لیکن میں ایک اسپرچل پرا کو جانتا ہوں کہ جس کی خدا سے لو ہے, اور جس کو وہ بات سمجھ آتی ہے جو کم خواتین کا ربط ہوتا ہے, وہ بات سمجھنے کے لیے
कुछ लोगों के कान होते हैं लेकिन कान नहीं। ये जो है ना, ये नदीम की बड़ाई है, स्पीक करूंगी, ये कमाल इंसान आपकी, क्योंकि इतनी सक्सेस मिलने के बाद आप में लिहाज होना, आप में सरियाना गर्दन में आना, अच्छा बुरा वक्त जो है वो लाइफ में सब पे आता है मतलब, और उसमें कई जिंदगी के काफी मोड़ आते हैं आपकी जिंदगी में कि जिसमें मतलब आप दुनियादारी की नजर में आपको आप डिफरेंट तरह से बन जाते मतलब लग रहे होते हैं लेकिन असल में आप ऐसे होते नहीं हैं, क्योंकि मतलब मैंने हमेशा ये सुना है कि एक वो विषय मौला अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि मौला आपने अपने खुदा को किस तरह पाया, आपने खुदा को यानी उसके होने का क्या सबूत पाया, तो मौला ने फरमाया कि मैंने अपने इरादों के टूटने में अपने रब को पाया। मतलब आप जो विश करें, आप इंसान एक विश करता है कि यार मेरी ये लाइफ होगी, मैं ये ज़िंदगी गुजारूंगा मैं, लेकिन उसमें जो वो रुकावटें आती हैं वो हम आगे ये सामने से बात भी करेंगे कि वो रुकावटें क्यों आ जाती हैं, ये सितारों की वजह बताती हैं कोई, मतलब डेफिनेटली इनका एक इल्म है, उसके ज़रिए ये बताएंगी कि ये वजह हुई थी, फलान जो सितारा है वो फलान घर में था, फलान इस वजह से आपके साथ ये प्रॉब्लम है, और मुझे ये लगता है जो मैं इनको जानती हूँ, आई थिंक अगर इन्होंने कहीं कोई जिद की होगी तो आई थिंक सिर्फ अपनी जाती जिंदगी में आपका कोई, अदरवाइज मैं आपको ना फरमा बरदार नहीं देखा, उसे ना फरमा बरदार नहीं ये लगता है कि मतलब जो जो आप चाह रहे हैं ना, अगर वैसा नहीं होता, आपके लाख चाहने के बावजूद अगर वैसा नहीं होता तो इसमें खुदा की मर्जी शामिल है, बेशक खुदा वैसा नहीं चाह रहा जैसा आप चाह रहे हैं, तो वैसा हो जाना चाहिए जैसा वो चाह रहे हैं, बिल्कुल एट द एंड ऑफ द बिल्कुल। अच्छा, आप दोनों गा रहे थे और मैं देख रही थी खास कर आपकी आवाज़, हालांकि नदीम की आवाज़ बहुत बाकमाल, मगर आप दोनों गाते हैं, आपकी आवाज़ का जो एक खालिसपन है ना, जिसे कहते हैं खरकड़ी आवाज़ पंजाबी में कहें, मतलब कूकती आवाज़, माशाल्लाह वो बड़ी खूबसूरत है। ये हमारे फोक सिंगर सबकी एक कमाल है कि उनकी आवाज़ की एक खरच जो है ना वो बड़ी अलग होती है, जैसे नदीम की जो है वो बड़ी एक डिसेंट बेस है, आपकी नहीं है, आपकी एक बड़ी मुनफरिद आवाज। अच्छा, अब आपका ना एक खूबसूरत गाना है, लेटेस्ट जो बड़ा जैसे कहते हैं ना पॉपुलर सॉन्ग, और वो आपने पेश किया है रश के कमर, मेरे रश के, तो आज हम नदीम अब्बास का रश के कमर जो है वो देखेंगे। अच्छा, मैं ये पेश करता हूँ आपकी नजर, ये हम शोज में मोस्टली कव्वाली की शक्ल में हम लोग इसको गा रहे हैं आजकल, और कव्वाली का बैंड तो नहीं है अभी, लेकिन जितना भी है लेट्स सी, नईम भाई की फरमाइश है और रश के कमर का जिक्र भी होना चाहिए, तो लेट्स सी। खुश आमदीद, और ये अभी जो परफॉर्मेंस थी ना, ये मेस्मराइजिंग, यानी आज से मैं आपको नदीम अब्बास खान साहब कह सकती हूँ, मुर्की हो या टेम्पो हो या कव्वाली खान साहब, यू मस्ट बी ए प्राउड फादर, मतलब आपके बेटा आपके सामने बैठे हुए, उसने जॉनराज और सारी चीज़ें, तो माशाल्लाह ये तो बहुत कमाल बात है, आप बड़े खुशकिस्मत वाले थे। अल्हम्दुलिल्लाह, उसको क्लासिकल की तालीम है, फोक तो हमारा विरसे में हमें मिला है ना, लेकिन असल बेस क्लासिकल है। ठीक है, तो आपकी भी क्लासिकल की ट्रेनिंग? हाँ, मेरी भी, और मैंने नदीम अब्बास को भी वही तरबियत दी है। ठीक है, और उस्ताद आप ही हैं या? मैं नहीं, तालवली पहला उस्ताद तो मैं हूँ। ठीक है, लेकिन मैंने तालवली घराना है, तालवली घराना, ठीक है, मौसी जी का, ठीक है, उनका शिक्र, उनका शिक्र। आपने किस उम्र से इनकी ट्रेनिंग शुरू की? उन्होंने बताया 6 साल, उन्होंने पूरा भी बताया कि उंगली पकड़ के लेके जाते थे, वो तो वर्ड लिस्टिंग है। एक्चुअली मैं आई लेट हूँ, मैं सुन नहीं सकी। अच्छा, बस मैंने उंगली पकड़ के दिए, उंगली पकड़ के स्टेज पे लेके जाते। सो हमारे जो देखने वाले हैं वो बिल्कुल तैयार बैठे होंगे सामने, जिन्होंने क्वेश्चंस भेजे हुए हैं। जी जी, माया मीर जिनका कहना है कि उनकी मंगनी हो चुकी है, शादी कैसी रहेगी? अच्छा, हस्बैंड फरा अच्छा नज़र आता है, पूरा रिस्पॉन्सिबल नज़र आता है, पर इंतहाई गुस्से वाला और एक स्टबर्न आदमी नज़र आता है, तो माया इसके अलावा और कोई मुश्किल नहीं होगी, कोई बात नहीं। जब एक इंसान, मुझे किसी बुज़ुर्ग ने एक बारी फरा कहा था कि आदमी की सारी खूबियाँ एक पलड़े में डाल दें, एक पलड़े में उसका ज़िम्मेदार होना डाल दें, ज़िम्मेदारी वाला पलड़ा भारी है, तो छोटा मोटा एंगर
برداشت کر لینا چاہیے. مجھے بلقیس ایدھی کا ایک جملہ بہت پیارا لگتا ہے, وہ کہتی ہوتی تھی کہ ایک آدمی کی سہ لو, ایک آدمی کے نخرے اٹھا لو, بجائے کہ باہر گھر سے نکل کے 100 لوگوں کے نخرے کل کو اٹھاؤ, اس ایک آدمی کو برداشت کر لو. تو بلقیس ایدھی کا جملہ اس ذائچے پہ فٹ آتا ہے کہ سوائے اس آدمی کے اینگر کے باقی کہیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو صرف وہ ذمہ رسپانسبل بھی ہوگا, اچھا لائف اسٹیٹس بھی دے گا, سوائے ایک اینگر کے وہ غصے والا ہوگا. تو جب وہ غصے میں آئے کریں گے مایا بس چپ رہ لیا کرنا, اور جو ہے وہ چینی کا صدقہ آپ دے دیا کریں, وہ بھی آپ کے لیے ذرا اچھا رہ جائے گا. ہسبینڈ کی نیت سے بھی دے دیا کرنا, ابھی تو فیانسی ہے, شادی تو ابھی سے بھی صدقہ تو دے سکتی ہیں. اگر ابھی بھی ان کو مشکل آتی ہوگی اس سے ریلیشن شپ میں. اچھا, تبھی تو انہوں نے پوچھا شادی کیسی رہے گی, ورنہ انہیں خود ہی پتا ہوتا کہ شادی کیسی رہے گی. اچھا, عامر شہزاد جی جی یہ سنگر ہیں, سیکھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کریئر کیسا رہے گا اور شادی کیسی ہوگی. اچھا, بیسٹ ہے ماشاء اللہ عامر, اگر آپ واقعی سیریسلی اپنے کریئر کو فالو کرو گے اور ندیم عباس کی جگہ آپ کو بھی زندگی موقع دے گی, یہاں بیٹھ کے فرح انٹرویو لے رہی ہوں گی آپ کا, تو اگر آپ سیریسلی فالو کرو گے فیم کی انڈیکیشن یہاں پہ نظر آتی ہے. لیکن ستارہ بہار کی خبر دے سکتا ہے, کوشش پھر بھی انسان نے کرنی ہے. بالکل, تو وہ کوشش عامر اگر آپ کرتے ہو سیریسلی کرتے ہو, جو بھی اور جو بھی کام کریں نا, یہ تو خیر ایگری کریں گے اس بات سے, اور آپ تو ماشاء اللہ آپ تو ایکسپرٹس میں سے آتی ہو, کہ فرح اپنے کام کے ساتھ جب آپ لائل ہوتے ہیں نا, کام آپ کا ضرور عزت دیتا ہے. تو یہ فیم کی انڈیکیشن ہے, لیکن اپنی اس کی لائلٹی اور ڈیڈیکیشن بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ بچہ ہے تو مستقل مزاج, کبھی کبھی ان کی سوئنگز آ جائے کرے. یہ بھی ایک بڑا خوبصورت پارٹ ہے کہ مطلب اس میں سے ایک بڑی بڑا اچھا ایک پہلو نکل رہا ہے ایک چیز کا, کہ آپ فیم کے لیے آرٹسٹ بن رہے ہیں. ہاں, مطلب کیوں آپ آرٹ کے لیے آرٹسٹ کیوں نہیں بن رہے؟ خوبصورت, آپ مطلب آپ دیکھیں نا کہاں سب ہیں, تو ان کے ساتھ کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا, کوئی بہت چینل نہیں تھے, یعنی جب یہ گا رہے تھے جن دنوں جگہ جگہ, اور ساؤنڈ سسٹم بھی نہیں تھے, تو ٹی وی نے ان کو ڈھونڈ کے گاؤں سے بلایا, اور بہت سارے خط لکھ کے, پہلے تب خط ہوتے تھے, پی ٹی وی بولتا تھا, اور پھر ایک بندہ بھیجا پی ٹی وی نے کہ جاؤ پتا کر کے آؤ کہ لونے والا خان صاحب وہاں رہتے ہیں, انہیں کہو کہ اب پی ٹی وی آپ کو ریکارڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اور مطلب یہ آرٹ کو اس لیول پہ آپ کیوں نہیں لے کے جاتے کہ فیم آپ کی طرف آ جائے؟ بالکل صحیح, ہے نا, بالکل صحیح. اور نیکسٹ ہے جی عاطف, یعنی یہ جاب اور شادی کا پوچھنا چاہ رہے ہیں. اچھا, جاب اور شادی, شادی ہاؤس عاطف بہت اچھا ہے, بڑی ہی اصول قاعدے قانون والی بیوی ملے گی, قسمت اچھی ہے شادی کے معاملے میں, بہت پیار کرنے والی بیوی ملے گی. اور جہاں تک آپ کا کریئر ہے, آپ ویسے ماشاء اللہ فائٹر بھی ہیں, اسٹرگلر بھی ہیں, گیو اپ نہیں کرتے, سرینڈر نہیں کرتے, یہ خوبیاں آپ کی آپ کو اپنے ایک لیول پہ لے جائیں گی. ہارڈ شپ ضرور ہیں, لیکن 2020 سے آپ کی محنت آپ کو صلہ دینا شروع کر دے گی, تو شادی میں تو نصیب پر آپ بہت اچھا ہے. اور جاب, ناظرین یہ ہے وہ خاتون جو لوگوں کے ذہن بناتی ہیں شادیاں کرنے کے لیے, اور وہ بھی اللہ بتاتی ہیں کر لو شادی. میں ابھی سے بات کر پکی گال کر رہا ہوں. نہیں, لیکن لیکن یہ ہے کہ سامیہ جی کی پریڈکشن جو ہے صحیح ہوتی ہے. ویری گڈ, ویری گڈ. مجھے مجھے میری کافی ساری چیزیں انہوں نے مجھے بہت اچھا پہلے بتائی تھی, تب میں مانتا نہیں تھا, لیکن اب میں بہت مانتا ہوں. اچھا, اگر تم جیسا روحانی بچہ مانتے تو بڑی بات. مجھے مجھے یہ یہ چیزیں مطلب یہ علم جعفر کو ہم لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں, کیونکہ اس کو امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملتا ہے. بالکل, تو ڈیفینیٹلی علم تو علم تو ہے, علم کی علم کا غلط استعمال بری بات ہے. اچھا, یہ میوزک بھی ویسا ہی ہے, مطلب جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا, جیسے آپ کا علم ہے ستاروں کا, اور اس میں مطلب لوگ اچھی باتیں بھی کرتے ہیں, اس کا یوز ڈفرنٹ طرح سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب اچھا یہ بھی یہ, اور کتنی خوبصورت بات ہے, مطلب میں جو میرا قوالی کی طرف رجحان ہے, میں اپنی طرف ایک کوشچن خود بڑھاتا ہوں کہ میرا قوالی کی طرف رجحان کیوں ہے, اب یہ ابا کیوں ہوا ہے کہ ہمیشہ سے مجھے یہ بچپن سے ہی یہ ایکسنٹ بہت اچھی لگتی تھی, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ کسی بھی مذہب کے بندے کو آپ قوالی کے تھرو آپ ایک ایسا پیغام دے سکتے ہیں کہ جو اس کے دل کی, کیونکہ دل کی تار جب تک نہیں چھٹتی انسان کا مذہب وہ آتا ہی نہیں. سنا نا نصرت فتح علی کو فورینر سن کے جھوما. نہیں آپ مطلب یہ تو ابھی اس صدی کی بات ہے نا کہ خان صاحب کو, اگر آپ برے صغیر کی بات کریں تو ہم لوگ تو ان سالوں سے مسلمان ہوئے تھے,
ہمیں ان سازوں کے ساتھ اس موسیقی کے ساتھ وہ کلام اور وہ پیغام دیا گیا تھا کہ اباؤ اجداد جو یہاں پہ بزرگ رہتے تھے انہوں نے اپنے مذہب بدل لیے. تو علم کا صحیح استعمال جو ہے وہ بھی ایک بڑی خوبصورت وہ بھی ایک علم ہے. علم کا صحیح ایک علم ہوتا ہے, ایک اس کے صحیح استعمال کا علم ہوتا ہے. بالکل ہے. تو یہ دونوں ایک اور گہری بات. اچھا سامیہ جی, نیکسٹ جو ہے وہ ہے ایم کام کر رہی ہیں, یہ ہے طیبہ. جی جی. کریئر کیسا رہے گا ان کا؟ بہت اچھا جاب ہاؤس ہے. آل دو کہ طیبہ جاب ہاؤس میں جیلسیز, لیگ پولنگ آپ کو برداشت کرنی پڑیں گی, لیکن آپ کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکے گا. بیکا ہوتا ہے بال بیکا بیکا بال بیکا سوری بال بیکا نہیں کر سکے گا, کیونکہ آپ کے وہاں دو ستارے بہت اچھے, ایک ستارہ چھوٹی موٹی شرارتیں لوگوں کی کرواتا رہے گا, لیکن آپ ڈٹرمنٹ رہیے گا اپنے کریئر میں, اور اپنے کریئر کے لیے سیریس بہت ہوئیے گا, کیونکہ طیبہ کا وہ کمی ہوتا ہے کہ میں نے لڑکیوں میں اتنا اسٹرانگ کریئر ہاؤس دیکھا. تو ماشاء اللہ بہت اچھی نصیب ہے, یہاں پہ محبت کے معاملے میں بھی نصیب اچھا ہے, اولاد بڑی تابے دار نکلے گی خان صاحب کی طرح. ویری گڈ ماشاء اللہ. خان صاحب جیسے اولاد تو اللہ تعالیٰ سب کو دینا, یہ تو ہم سب کو دعا کرنی چاہیے خان صاحب جیسے بیٹے دینا. اچھا سامع میں بریک لے لیتی ہوں یہاں پہ, اور بریک کے بعد ہم آئیں گے. آپ مطلب ایک وہ دوڑا کہا کرتے ہیں کسی بھی گانے سے پہلے نا. اچھا ہاں, دوڑا کوئی اچھا سا. مجھے خان صاحب سے بھی کچھ سنوا. بالکل بالکل, میں لیٹ آئی, میں نے سنا نہیں. بالکل سنوائیں گے خان صاحب کو, تو ہم وہ کریں گے. کیا پہ چھن چھن منگا جو ہے خان صاحب کا اتنا مشہور, تو وہ تھوڑا سا اگر آپ گنگنا دیں اور ہم بریک پہ چلیں. پہلے وہ والا وہ سنائیں دوڑا. دوڑا اچھا, وہ دوڑا لمبی لائن ہوتی ہے, وہ چار لائنوں کا ہوتا ہے جو میں آپ کو سناتا ہوں اکثر ٹی وی کی وقت کی کمی کی وجہ سے. وہ مائیا ہوتا ہے, مائیا وہ جو ڈیڑھ لائن کا ہوتا ہے, ڈیڑھ لائن میں ہی ایک بڑا خوبصورت ایکسپیرینس آتا ہے. پلیز مائیا. اور ندیم کے کیا مائیے ہوتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے یہ مائیا جو ہے وہ اچھا. یہ ہمارے پنجاب کی وہ ثقافت ہے کہ جس کا رائٹر کوئی نہیں ہے, مطلب ایک بندہ وہ چارہ کاٹ رہا ہے اور وہ ایسا ایسا مائیا کہہ دیتا ہے, ایسی ایسی لائن کہتا ہے کہ وہ کمال اس کی مطلب ایک روح بولتی ہے اس کے اندر, اور اس مٹی کی بھی ایک خوشبو آتی ہے اس میں. خوش آمدید جناب. آج ہم مل رہے ہیں لونے والا فیملی سے, چنیوٹ سے تعلق, اور سامنے چنیوٹ کا ایک فرنیچر لونے والا فیملی تو ہے ہی نا, اس کے بعد فرنیچر اور ایک کنہ. کیا بات, کیا بات, کیا بات. ویسے آپ سے یہ گلا ہے کہ آپ نے اپنی کنہ پارٹی میں کبھی بھی انوائٹ نہیں کیا مجھے. نہیں, اس میں دعوت نہیں دی. ہم نے نعیم بھائی کو بلایا تھا, ہم اس میں کنے کنے لوگ بلاتے ہیں. جب آپ ایسے ہوں گے تو ضرور بلائیں گے. نہیں نہیں, آپ مجھے کنہ پارٹی میں ضرور. موسٹ ویلکم. کیا خاص بات ہے چنیوٹی کنے میں کہ پوری دنیا میں اس جیسا جو ہے نا وہ کھانا, میں نے لوگوں کو ترستے دیکھا ہے کہ یار چنیوٹی کنہ. کیا بات, اگر چنیوٹ جائیں تو سر کہاں سے وہ کھائیں, وہ جو خاص ہمارے گھر سے مل جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی وہ کوئی خاص جگہ. نہیں نہیں, خاص جگہ کوئی ایک جگہ نہیں, ایک جگہ نہیں ہے. اچھا, لیکن ہے بھی کچھ, لیکن جو اسپیشل تیار کیا جاتا ہے نا اس کا کچھ مزہ اور ہوتا ہے. اس میں دیسی گھی ڈالا جاتا ہے. اچھا, اور دیسی مسالے. اچھا, تو سر آپ نے کبھی خود بنایا؟ ویسے تو آپ نہیں جاتے کچن میں, لیکن کبھی آپ نے بنایا ہو یا ندیم؟ ہم خود تو نہیں بناتے, وہاں کے جو کاریگر ہیں وہ بلوا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کو بلوا کے تو آپ کو بنا. آج ہم نے ایک کاریگر منگوائی ہوئی, لیکن ہم وہ جو کنہ پارٹی ہے نا وہ ڈیو رہی ہے ہماری طرف, وہ آپ کو یہاں والے لونے والا ہاؤس میں کھلائیں گے, لاہور والے میں, تاکہ آپ کو بہت زیادہ ٹریول نہ کرنا پڑے کنہ کے لیے. ویسے تو مجھے خوشبو آ رہی ہے, یہاں بھی مجھے ایک گھڑا بھی دکھائی دے رہا ہے. ایکسپرٹ ہماری آئی ہوئی ہے نا, شیف ہما ہمارے ساتھ ہیں. لیکن سر آپ کے وہاں جانے سے وہ چنیوٹی کنہ ہو جائے گا. جی جی. اچھا, پھر میں جاتا ہوں. آپ آئیں گے نا, سر آپ دور سے ہمیں بلیسنگ دیجیے گا. جب ہم غلط کریں آپ نے بتانا ہے کہ اوریجنل ریسیپی کے نزدیک ترین کیا ہے. سمجھ گئے, آپ بھی آئیے. سامیہ جی, آج ہمیں آپ ستاروں کا حال دیکھ کے بتائیں کنہ کیسا بنے گا. چنیوٹی کنہ جو ہے وہ, جی شیف فرا, شیف ہما, شیف فرا, کیونکہ میں نے فرمائش ہے. بالکل, اور آپ بھی شیف ہیں ویسے, لوگوں کو پتا ہے.
मैंने आज मैंने फरमाइश की है, मैंने कहा नदीम अब्बास सारे यहाँ से अच्छे रोटी को ना धोना चाहिए बिल्कुल, और मैं अपनी रेसिपी शेयर करूंगी और ऑलमोस्ट कोशिश है मेरी ऑथेंटिक रेसिपी के करीब वो है हमारे पास और तस्दीक करेंगे के लिए। आप इसको किस तरह बनाएंगे? इस वजह से कहते हैं कि ये कुन्ना है ठीक है, क्योंकि ये कुन्ने में बनता है, बनता ही इसमें, बनता ही इसमें, और बेसिकली इसका कुकिंग टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ओवरनाइट होता है ऑलमोस्ट। और जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं रूटीन उनकी जो है तरतीब बताऊंगी, लेकिन एक बात बता दूं कि इसके ऊपर ढक्कन लगा के और साथ में इसके कॉर्नर्स के ऊपर आटा लगा के इसको रख देते हैं ओवरनाइट कुक होने के लिए, मतलब पानी वगैरह डाल के मसाला जात डाल के तरतीब के साथ, और फिर इसको रख देते हैं, और फिर वो जो गोश्त होता है और गोश्त लिया भी जो जाता है जिसे मछली का गोश्त कहते हैं, जो रान का गोश्त होता है निचले पार्ट का, वो लेते हैं और उसको कटवाते नहीं है, जो निहारी है बिल्कुल ये उसका निहारी जिस मीट की नली निहारी बनती है उसी मीट की पूरा पीस लेते हैं, इसको काटते नहीं है, और ये इस तरह से बिल्कुल चिपका होता है हमारे यहाँ पे, तो जो नॉर्मली कमर्शली इस्तेमाल हो रहा है फरा उसके अंदर तो आटा डाल देते हैं या इस तरह की चीज़ें, थोड़ा सा उसको थिक करने के लिए ज़रूर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन लेकिन उतना थिक नहीं होता जितना निहारी का होता है पहली बात, और दूसरा कोशिश ये की जाती है कि जो इसकी हड्डियों का जूस है उसी की वजह से उसकी थिकनेस बने, जितनी जो है शुरू तो करें आप, लेकिन आपके और हमारे घड़े में फ़र्क है क्योंकि हमारे घड़े पे कच्ची मिट्टी लगी होती है, और वो मिट्टी लगाने से फर्क ये है कि वो चूंकि काफ़ी देर उसने सेक के ऊपर रहना होता है तो ये बर्तन टूट भी जाता है, तो इसलिए उसको मिट्टी से उसकी लपाई कर दी जाती है, ताकि सबसे पहले प्याज जो है वो बारीक काट के आपने वो उसको ऑयल मैंने ऑलरेडी डाला हुआ, और उसको आपने तेल में प्याज को डाल के, और सबसे मज़े की बात इस बर्तन की मिट्टी की हांडी की ये एक तो खुशबू होती है, अरोमा होता है इसका स्पेशल, इसी तरह जिस तरह से कुछ ऐसी धातें जिनके अंदर पकाने से मना करते हैं, क्योंकि बेसिकली जिस बर्तन में आप पकाते हैं उसे हीट लगती है, तो उस वो भी थोड़ा सा डिजॉल्व होती है साथ। अच्छा, हमारे घर में अभी भी खान साहब क्योंकि कच्ची वो हांडी जो होती है और लकड़ी की आग, लकड़ी की आग, वो अलग से एक पूरा सेटअप लगा हुआ है चिनोट वाले घर में। अच्छा। कि वहाँ पे जब क्योंकि जब उनका मूड हो कि यार आज और अम्मी बनाती हैं। अच्छा। लकड़ी की आग पे। अच्छा। और वो कच्ची हांडी में उसको, क्योंकि वो जो एक मिट्टी का उसके अंदर वो जो टेस्ट होता है ना, और उसमें जो चम्मच है वो लकड़ी की आग, हम उसे डोई कहते हैं, और वो जो डोई है और उसके ऊपर ये जो इसे कहते हैं छूनी, वो जो ये ढक्कन जो है चूनी, हाँ, इसे हमारी लैंग्वेज में उसमें चूनी कहते हैं, ये इसके ऊपर रखते हैं और उसमें छोटा सा वो बटन सा भी होता है ना उठाने के लिए ताकि वो गर्म ना लगे। अच्छा, जब तक प्याज ब्राउन हो रहा है परा, तो उसके इसके अंदर जायफल और जावित्री जो है ये मैं बता दूं कि जायफल लेनी है, जावित्री का भी आपने ऑलमोस्ट इतना टुकड़ा लेना है, और इसके साथ काली जीरी, नॉर्मली हम खानों में सफ़ेद ज़ीरा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो बात वही है कि काली ज़ीरी मैं जिन खानों का एक दो ही खाने जिनमें इस्तेमाल होता है जिसमें कुन्ना मेनली है, तो काली ज़ीरी जो है ये इसके साथ ये ज़ीरा और ज़ीरी एक ही चीज़ है ना? नहीं, ज़ीरी जो है वो उसकी बहन है, छोटी बहन है। अच्छा, छोटी बहन है। सो ये ज़ीरी में पाउडर बना के, ये आपको फर्क खुद ये देखिए जीरा जो होता है ना, हाँ। वो जरा जीरा होता है, ये देखिए छोटी छोटी बेचारी जीरी जीरी है ना, फखर देखे। अच्छा, लहसुन और अदरक का पेस्ट इसके अंदर साथ में जाएगा जब प्याज आपकी थोड़ी ब्राउन होने लगे। वाह 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 वाह, मुझे अभी सही मजा आ रहा है। वाह वाह। अच्छा, आपको कुन्ना अपनी अम्मी के हाथ का अच्छा लगता है या जो और? अच्छा, अम्मी जब वो हांडी बनाती है ना कच्ची, उसमें यानी वो जो भी बनाए वो कमाल ही बनता है उसमें, और यानी कुकिंग उनकी बहुत अच्छी है, और मेरी मिसेस की भी बहुत अच्छी है कुकिंग। अच्छा, बहुत अच्छा खाना बनाती है, हमारी फैमिली में एक नया नया एडिशन होता है कि नया एडिशन है अम्मी के साथ के, यानी वो भी बहुत अच्छा खाना बनाती है, लेकिन ये जो है यानी इसका जो कुन्ने का स्टाइल है वो प्योर जो कुन्ने जैसे ये बना रही है वो एक रेसिपी से बनता है, और वो जो इसका स्पेशलिस्ट है वो उसको बहुत ज़्यादा और पर मिट्टी के बर्तन में जिस तरह बता रहे हैं कि लकड़ी का चूल्हा इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इसमें हीट इतनी ज़्यादा नहीं रखी जा सकती, अभी थोड़ा पंखे की हवा इस वजह से इसका फ्लेम बिखर रहा है, ठीक है, और चूल्हा मैंने तेज़ रखा है, अगर आप इसकी तेज़ आंच रखेंगे लकड़ी की जो वो एक एक स्टिक करके फिर उसके अंदर ऐड करते हैं ताकि टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल्ड रहे। अच्छा, पर कुन्ने के चक्कर में
پہلی دفعہ ندیم عباس نے بیگم کی بھی تعریف کر دی. سر یہ ایک بڑی کمال بات ہے زندگی میں. جو ڈیزرو کرے اس کی تعریف کرنی. بالکل. اچھا فرح, اس کو بلینڈ کر کے آپ نے بنا لینا اس کا مسالہ, ٹھیک ہے؟ ایکولی لینی ہے تینوں چیزیں, جس میں زیری ہے, جائفل جوتری ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے جائفل ہے اور جلوتری ہے, ساتھ میں کالی زیری ہے. ساتھ میں سالٹ اینڈ پیپر اگر آپ ڈال لیں اور تھوڑا سوکھا دھنیا ڈال کے اس کا بے شک مسالہ بنا لیں, ٹھیک ہے؟ جس طرح ہم نہاری کا بھی نارملی ہوتا ہے, آلموسٹ سیم مسالہ ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر لونگ جاتا ہے, کالی مرچ وغیرہ جاتی ہے. تو اسی طرح سے مسالہ میں نے بنا کے اس میں زیرہ وغیرہ تھوڑا سا ہے ریڈی کیا. ٹھیک. اچھا یہ جو یہ آگ نیچے, یہ تو گیس پہ جل رہی ہے نا, آپ کو پتہ ہے لکڑی تو مطلب, اچھا آئی لو پنجابی ورڈ جو ہمارے کلچر کے, ہمارے دیہات کے جو لفظ ہیں. اچھا میں اپنے بانجوں سے, اپنے جو ہماری چھوٹی بہت ہے ان سب سے, میں اور ابو ہم لوگ پنجابی بولتے ہیں, انہیں وہ ورڈس ڈیول کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار اردو تو یہ اسکول میں بھی سیکھیں گے, انگلش بھی سیکھیں گے, لیکن کہیں وہ ورثہ اور وہ ورڈس مس ہو جائیں گے. جیسے میں آج بتا رہا ہوں کہ اس کو یعنی اس کو چھونی کہتے ہیں. اب چھونی ورڈ جو ہے یہ بڑا خوبصورت ورڈ ہے ہمارے, مطلب اس کا وہ جو ڈھکن, اور نیچے جو آگ جلتی ہے اس میں جو لکڑی کی وہ ہوتی ہے, اسے کیا کہتے ہیں پتا آپ کو؟ آپ کو پتا ہے؟ اچھا کسی کو پتا ہے جی ہماری آڈینس میں, کہ جو لکڑی کی آگ جلتی ہے, نہیں نہیں وہ بالن تو ہو گیا نا جو ابھی جلا نہیں ہے. اچھا جتنا جل جائے انہوں آدھا جلاؤ اور آدھا وہ بچاؤ, اسے کیا کہتے ہیں؟ چواتی. چواتی. مطلب وہ جو نیچے آدھا وہ جلا ہوتا ہے, سلگتی ہوئی لکڑی, اور نہیں جو آدھی سلگ چکی ہو, آدھی غائب ہو چکی ہو اور آدھی پیچھے باقی ہو جو چل رہی ہو, وہ چواتی ہوگی. بالکل. وہ چواتی جو ہے وہ یعنی وہ بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے, کئی دفعہ لڑائیوں میں بھی چل جاتی تھی. ٹھیک ہے. اب اس میں مسالہ ڈال دیا, مسالہ ڈالیا ہے. اب اس کے اندر ہم یہ جو میٹ ہے جو ہم بتا چکے ہیں کہ آپ نے کیسا میٹ چوز کرنا ہے وہ ایڈ کریں گے. اور اس کو کٹوانا نہیں ہے, اس کو ماڈرن کر لیا ہے, کنے کو اس کو گلا لیا ہے, تو ہم تو نہیں گلائیں گے. نہیں آپ نے گلانا نہیں ہے بالکل, اور کچا ڈالیں گے. بالکل اسی روٹین کے ساتھ کچا ڈال دینا ہے, اور اس کے بعد میں تو یخنی ڈالوں گی جس میں میں نے اس کو اسٹیم کر لیا ہے. آپ جو ہے اس کی جگہ پانی بات کو بچائیے گا. بالکل صحیح. اور ڈال کر تو اس کو ذرا 5 منٹ بھونیں گے, اور بھوننے کے بعد آپ نے جو اس کا ایکسیسو آئل ہے نا پڑا, آپ کبھی بھی کوئی چیز تھک کریں, چاہے وہ کارن فلور میں تھک کریں, آٹے سے تھک کریں, یا کوئی اور اسٹارچ جس طرح ڈفرینٹ ملتی ہیں باہر, کبھی بھی کسی بھی فوڈ میں جب تھکنک ایجنٹ ڈالا جاتا ہے کچھ بھی, تو وہ آئل جو ہے وہ ابزارب کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے ہمیں چائنیز فوڈ میں آئل نظر نہیں آتا کیونکہ اس میں کارن فلور ہوتا ہے. اسی طرح جب ہم اس میں آٹا ایڈ کریں گے, آٹا نارملی تو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ ایڈ ہی نہ کریں, اگر آپ اس کو اوور نائٹ رکھ سکتے ہیں تو یخنی اتنی اچھی نکلے گی کہ اچھی سی اس کی چپچپاہٹ ہوگی. تو آپ نے جو ہے آٹا جو اس کے اندر ایڈ کرنا ہے, اس میں ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے بھون کے, بھوننے کے بعد اسٹیج پہ ڈال دینا ہے. آئل اس کا نکال لیں گے. آئل اس لیے نکالیں گے تاکہ ہمیں اوپر تڑکے کے لیے ایکسٹرا آئل نہیں ایڈ کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ آئل میں تھوڑا سا اس میں سے بھی نکال لوں گی. خان صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ دیسی گھی جو ہے اس کا. بالکل. اچھا ویسے ذرا خان صاحب کی لگن چیک کرو. یہ اپنے جذب میں ہے, وہ اپنی مستی میں ہے, وہ اپنے اس میں. اچھا یہ میرا خیال ہے خان صاحب ہر وقت باجے, جب اچھی آنٹی بن رہی ہو تو اچھا آرٹسٹ ایسے ہی کرتا ہے. اچھا ہمارا اس کا جو آئل ہے نا وہ ہم نکال کر لیں گے, تاکہ یہ ویسے بڑی اچھی بات ہے, لیکن اگر دیسی گھی ہو اس میں. بالکل دیسی گھی میرے پاس ہے, وہ میں لاسٹ میں بالکل بگار کے ساتھ تھوڑا سا ایڈ کروں گی. ہم پیور نہیں ہے, بالکل پکا دیسی نہیں ہے, لیکن آپ کی طرف کنہ پارٹی ڈیو ہے. گھی ہے میرے پاس, دیسی گھی ہے یہ پڑا, اور اس کے اندر ہی میں نے کالی زیری کو تھوڑا سا بھوننا ہے, ساتھ میں یہ آئل ایڈ کرنا ہے تاکہ ہمیں ایکسٹرا کشمیری مرچ جو رنگ والی مرچ ہوتی ہے وہ ایڈ نہ کرنی پڑے, اور اس کے ساتھ جو ہے ہم اس کی جسے تری بولتے ہیں پنجابی میں وہ ایڈ کر دیں گے. اب میرے پاس اسٹاک تھی, آپ کے پاس چونکہ کچا میٹ ہوگا تو آپ نے اس کی جگہ پانی ایڈ کرنا ہے, اور پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو رکھ دینا ہے دم پہ آرام سے. جب وہ کیا نام تھا اس کا جو اوپر دیتے تھے؟ چھونی. اچھا وہ ایک بڑی مزے, وہ جو چواتی میں کہہ رہا تھا نا جس کو, وہ ایک خواتین کے لیے وہ بڑی ایگزامپل یعنی وہ گنی جاتی ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے. ویسے آپ نے نہیں 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 وہ اس میں ایک اور بڑی مشہور ایگزامپل بھی ہے. اچھا وہ یہ ہے کہ وہ جب آگ نہیں ہوتی تھی تو
तो वो किसी के साथ वालों के घर जाके आग वो हाँ। वो चौथी लेने जाते थे। अच्छा, उससे अच्छा, फिर आगे कंटिन्यू करती थी हाँ। अपनी दूसरी आग हाँ। तो वो पंजाबी की एग्जांपल सुन अगले सहन बन गए। आपने तरीका सारा बता दिया, तैयार करने का सब कुछ। औरतें रोने के बहाने कैसे लेंगी, क्या बात, रोने के बहाने कैसे ढूंढेंगे, अगर प्याज ठंडा करके काट लेंगे। पंजाबी कहावतों का आंसू कैसे आए जिक्र करें ना, तो एक और पंजाबी की बड़ी वो है, रोना यारा नू ले ले नाम भरावां दे। ये भी तो है ना खास सब, तो प्याज के बहाने जो है मतलब आप बहुत अपने दुख शेयर कर सकते हैं, बहुत सारे दुख, सारा प्याज तो पा रहे। बिल्कुल सही, आपने कुन्ना घर में जरूर ट्राई करना है कि कैसा बना और कैसा लगा आपको। वेलकम बैक। और अगर मैं कहूँ ना कि जिंदगी के लाइव म्यूजिक जो मैंने सुने हुए हैं उनमें से एक ये सुबह मेरी जिंदगी में यादगार रहेगी, वन ऑफ द ब्यूटीफुल मॉर्निंग्स आई हैड। बहुत शुक्रिया सर, आपकी तशरीफ बड़ी बाबरकत है, जब भी आती है तो हमें बड़ा दिल से ना बड़ा बड़ा खुशी भी सुकून भी सब कुछ ही मिलता है। और अल्लाह तआला ने आपको नदीम अब्बास जैसा बेटा दिया है, तो अल्लाह उनके फन में भी और इजाफा करे और बहुत सारा। आपने तो हमें नहीं बुलाया कुन्ना पार्टी पे, तो हमने अपना कुन्ना पार्टी जो है वो आपके लिए की है। आपने चखना है और बताना है कि शेफ हुमा ने जो कुन्ना बनाया है ये कितना चनियोटी है। प्लेट ले आओ ना, प्लेट ले आगे। और इसमें चनियोटी पन कितना डाल लें, इसमें डालें नहीं इसमें नहीं हाँ, तो इसमें डाल। अच्छा हाँ, हाँ इसी में ये जस्ट टेस्ट ही करना, ये देखेंगे कैसा बना है, कैसा बना है और इसकी जो कुन्ने की बोटी थोड़ी छोटी कटवाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये इतनी होती है, ये इतनी होती है, स्टैंडर्ड साइज है हाँ, लेकिन कुन्ने के लिए प्लेट बड़ी करते हैं ना। अच्छा या अब ये है कि एक काम करते, एक मिनट। अच्छा आ गई है, वैसे आ गई है हाँ, ये देखे ना, ये देखे ना जी, कुन्ने की प्लेट। अब ये देखे ना, ये हॉस्पिटैलिटी खवातीन के अलावा मेरे लिए बहुत मुश्किल थी, लेकिन मैंने असल में तो इसको करने की कोशिश। वैसे इसकी जो असल वो है वो ये है, जिसमें शोरबा आ जाए। अच्छा, और जिसने ठीक है, तो आपने खान साहब को शोरबा तो डाल के नहीं दिया कि हाँ, चेक किया खान साहब, आपने इसके चुनौती होने पर हमें आपने बताना कि ये चुनौती है कि नहीं। चलो, चुनौती है कि ये शेफ हुमा का ही है, लेकिन इसका रंग रूप बिल्कुल वही है, चुनौती है रंग बिल्कुल वही है, और ये खास तहसील चुनौत लग रहा है इस वक्त। अच्छा, यानी वो जो तहसील चुनौत हुआ करती थी कभी, अभी जो जिला है वो डिस्ट्रिक्ट हो गया, और उसमें जो तहसील चौक है वो आज भी तहसील चौक के नाम से है, और कलमा चौक भी वैसे अब लोग कहने लगे, ये उसका टेस्ट आ रहा है हमें। अच्छा चले, इस हमें ये पता चल गया कि अगर आप वैसे चिन्हट जाए तो फिर कहाँ से जाके आपने कुन्ना खाना। अच्छा, वो जगह मैंने अभी आपको बताई नहीं। अच्छा, वैसे आपने मुझे बताया, अभी मैं आपको जस्ट चिन्हट घुमा रहा हूँ। नहीं, आपने मुझे बता के जाना, ताकि हम टिन लोकेशन लगा के जाए कुन्ना खाने। सर आप पहले चखेंगे ना, आप बताएंगे चिन्हटी है, फिर मैं चखूंगी। अच्छा, क्योंकि मैंने खाली कुन्ना नहीं खाना, मैंने चिन्हटी कुन्ना खाना। इट हैज चल, मैं आपको डाल के दूं सर, कितना चिन्हटी है। क्योंकि जिस गर्मी में उन्होंने बनाया ना, ये कुन्ना वही ना है। अच्छा, चक्के चक्के आपने भी बताना। सर सर हाँ सर, पास हो गई चिन्हटी। अच्छा, वो जो हमारे चिन्हट में बनता है ना, उसको उसका तरीका ज़रा और है। अच्छा, वो कैसे बनता है? वो बनता है कि सारे मसाले उसमें डाल दिए, ठीक है, और आटे से उसको लेप कर दिया, ठीक है, आग पे रख दिया, ठीक है, और जब वो तैयार हो जाता है तो जो हमारे कारीगर हैं ना, उनको पता चल जाता है कि अब तैयार है, अब तैयार हो, उन्हें मैसेज आ गया, उसमें यदि ये डोई वगैरह ये नहीं हिलानी पड़ती। अच्छा, एक ही दफा सारा गोश्त भी डाल दिया, मसाले भी डाल दिए, ठीक, जैसे पाए बनते हैं, ऊपर से ढक्कन दे दिया, उसको लेप कर दिया आटे से। वो बताया वैसे उन्होंने कि ये इनका असल तरीका, असल जो तरीका है ना कुन्ने का। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लेकिन बहुत अच्छा बना, वेरी गुड, बहुत अच्छा। थैंक यू जनाब खान साहब, अल्लाह ताला लोने वाला साहब, बहुत शुक्रिया, वंडरफुल टू हैव यू। सामिया शेफ हुमा चिन्हटी कुन्ने के लिए खास तौर पर शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और हम सरीन मार्केट से आपके लिए लाइव होते हैं रोजाना, आज का लाइव सेशन भी आपने एंजॉय किया है, वो बहुत पसंद आया होगा। बर्की रोड पर ये खूबसूरत इवेंट कॉम्प्लेक्स है,
आप भी इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराना चाहें तो आप भी अवेल कर सकते हैं, लेकिन दिस टाइम हम आपसे इजाज़त चाह रहे हैं क्योंकि कल फिर आपसे मिलना है। ख्याल रखिएगा अपना, है वो वंडरफुल डे अहेड, और अल्लाह हाफ़िज़।